गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद कैलाश हरी। दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं सभी का अपने टेक्निकल चैनल टेक्निकल विद कैलाश हरी। दोस्तों आज बात करेंगे आरओ चोकिंग की। कई बार जो है आरओ में हमारा जो फीड प्रेशर है वो काफी बढ़ जाता है, वहाँ पे प्रोडक्ट फ्लो कम हो जाता है, प्रोडक्ट टीडीएस बढ़ जाता है और हम कहते हैं वहाँ पे जो है चोकिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद हम वहाँ पे सीआईपी करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि यार रिजल्ट तो मिला लेकिन हमारा प्रोडक्ट टीडीएस जो है बढ़ चुका है। और हमारे अंदर जब भी हम सीआईपी के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, गर्व लगा रहता है कि हम सीआईपी करने के बाद हमारा टीडीएस जो है बढ़ न जाए। और मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि सीआईपी करने के बाद जो है टीडीएस हमेशा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसके ये चीज ना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे आरओ में एक्चुअली दिक्कत क्या है। जब भी हम सीआईपी के लिए जा रहे हैं उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर वो हमें पूरी तरह से पता है दोस्तों तो हम जो है जब भी सीआईपी करेंगे उसके बाद हम फ्लो तो बढ़ाएंगे लेकिन टीडीएस भी हमारा जो प्रोडक्ट का टीडीएस है वो भी कम करके देंगे या कम हो जाता है अगर हम प्रॉपरली वहाँ पे सीआईपी कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो छोटी रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जिस दिन अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो है अधूरा फ्लो चार्ट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं फॉलिंग और स्केलिंग, क्योंकि फॉलिंग और स्केलिंग की वजह से ही मेंबरेन में चोकिंग होती है। और ये फॉलिंग और स्केलिंग को अगर हम प्रॉपरली क्लियर कर दें, क्लीन कर दें, तो हमारी मेंबरेन फिर से जो है रिकवर हो जाती है, फिर से नई की तरह हो जाती है। और जब भी नई की तरह हो जाएंगी दोस्तों टीडीएस बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है सीआईपी करने के बाद। तो दोस्तों एचपीपी ये हाई प्रेशर पंप है, एचपीएस हाई प्रेशर स्विच, जो हमारे टॉपिक का विषय नहीं है लेकिन जनरली हाई प्रेशर के बाद रहता था, मैंने यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तीन मैंने वेसल्स बना रखी हैं जो जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन इनसाइड। इन तीनों के अंदर जो है मेम्ब्रेन्स हैं, ये एक से लेकर छह एलिमेंट तक की आती हैं। और दोस्तों अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको हम ये जो है प्रेशर ट्यूब भी इसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन हाउसिंग भी इसको बोलते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे पानी जो हाई प्रेशर पंप के बाद जा रहे हैं केवल दो एलिमेंट में जा रहा है, यानी कि दो प्रेशर वेसल में जा रहा है। और इन दोनों का जो निकल रहा है पानी यहां से निकला इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आया, तो ये सेकेंड स्टेज का फीड हो गया। यहाँ पे दो स्टेज आपको दिखेंगे, पहला स्टेज यहाँ पानी गया दो वेसल में गया तो ये पहला स्टेज, और इन दोनों का रिजेक्ट जो निकल रहा है वो एक अलग से वेसल में जा रहा है, ये सेकेंड स्टेज होगा। और सेकेंड स्टेज के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रिजेक्ट की वाल लगी और कोई भी वेसल नहीं है, तो ये जो है ड्रेन में हमारा जा रहा है। जो रिजेक्ट का पानी जो निकलता आरओ का वो हमारे यहाँ से ड्रेन में जा रहा है। तो इस आरओ में आप देखेंगे केवल दो स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। और जो सेकेंड स्टेज है इसको हम फाइनल स्टेज भी यहाँ पे बोलेंगे या बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेज हमारे पास है नहीं। तो पहला स्टेज और फाइनल स्टेज या फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, दो स्टेज का आरओ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा आरओ कितने स्टेज का है। तो दोस्तों जब भी हमारे आरओ में चोकिंग होती है जनरली क्या होता है, हमारा फीड प्रेशर ये पीजी है प्रेशर गेज, एक प्रेशर गेज यहाँ पे जो है रिजेक्ट का पहले स्टेज का, पहले दो वेसल का जो रिजेक्ट आ रहा है उन दोनों का प्रेशर गेज है ये, और जो सेकेंड स्टेज का जो प्रेशर गेज है पीजी है प्रेशर गेज वो यहाँ पे है। तो दोस्तों ये मैंने प्रेशर यहाँ पे लिखे हैं, अभी दोबारा लिखूंगा इनको पीजी प्रेशर गेज। और दोस्तों अब हमारा फ्लो यहाँ पे डाउन हो रहा है और टीडीएस प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इसके अंदर गंदगी आ जाएगी, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहां पे क्या होगा टीडीएस प्रोडक्ट में बढ़ने लगता है और हमारा जो प्रोडक्ट फ्लो होगा वो डाउन होना चालू हो जाएगा और जो हमारा फीड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जो इंटर स्टेज प्रेशर है दोस्तों जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं वो उसका डिफरेंस काफी वहां पे बढ़ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज, सपोज हमारा फर्स्ट स्टेज प्रेशर हमारा 12 केजी, यहां पे 12 केजी है फर्स्ट स्टेज रिजेक्ट प्रेशर हमारा, सपोज यहां पे हमारा 10 केजी है और फाइनल रिजेक्ट प्रेशर यहाँ पे 10 केजी हमारा आ गया और फाइनल हमारा सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं 7 केजी,
तो दोस्तों ये इस तरह से प्रेशर लिखे हुए मैंने यहाँ पे 12 केजी, फर्स्ट स्टेज प्रेशर है वो 12 केजी, और जो फर्स्ट स्टेज का रिजेक्ट ये हो जाएगा, और यही जो है सेकंड स्टेज का फील भी हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज रिजेक्ट यहाँ पे 10 केजी है, और फाइनल स्टेज का जो रिजेक्ट है वो यहाँ पे 7 है। तो इसका जो फील्ड प्रेशर हो जाएगा वो यही प्रेशर हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट स्टेज का रिजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा प्रेशर की बात करें, जो डेल्टा प्रेशर होता है दोस्तों वो होता है हमारा इनलेट आउटलेट का जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा पी है फर्स्ट स्टेज में वो है, डेल्टा पी को इस तरह से हम देखते हैं, डेल्टा पी हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे 12 केजी है, 10 केजी है, तो 2 केजी का यहाँ पे डिफरेंस है। और सेकेंड स्टेज का जो डिफरेंस है, जो डेल्टा प्रेशर है वो दोस्तों हमारा है यहाँ पे हमारा 10 केजी का फील हो रहा है, 7 केजी का हमारा निकल रहा है, तो यहाँ पे 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जब भी हमारे अगर में चोकिंग हो और हम सीआईपी कर रहे हैं, उससे पहले हमें सबसे पहले डेल्टा प्रेशर चेक करना चाहिए कितना है, तभी हम बता पाएंगे कि वहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या और हमें कौन सा केमिकल वहां पे यूज करना है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे पहले स्टेज में हमारा 2 केजी का डिफरेंस है और सेकेंड में 3 केजी का डिफरेंस है, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू मिली, और ये होना कितना चाहिए दोस्तों कोई भी नई चीज है, अगर हम उसमें कोई भी चीज फीड कर दें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेस देन 0.5 केजी से नीचे ही वहां पे जो है डिफरेंस बना होता है। तो नॉर्मली फिर भी कई जगह जो है 1 केजी तक का लोग जो है डेल्टा प्रेशर को मान के चलते कि 1 केजी के ऊपर आने के बाद ही जो है वहां पे हमें सीआईपी करनी है, या कई प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनके एसओपी में ये लिखा होता है कि 1 केजी डेल्टा प्रेशर के ऊपर आप जो है सीआईपी जो है करनी चाहिए। तो लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि 1 केजी डेल्टा प्रेशर पे जो है हम उसके बाद ही सीआईपी करें, नहीं, क्योंकि कई जगह जो मेम्ब्रेन्स होती है, रॉ वाटर के टीडीएस होता है वो इतना कम होता है वहां पे जो है, जब हमारे फॉलिंग या स्केलिंग वहां पे हो जाए तभी जो 1 केजी के ऊपर जाता है, नहीं तो नॉर्मली वहां पे 3-3, 4-4 साल तक वहां पे भी 1 केजी से नीचे ही जो प्लांट होते हैं वहां पे उस कंडीशन में चलते हैं। तो नॉर्मली जो डेल्टा प्रेशर होना चाहिए आलो का लिए, जो भी आलो के लिए जो डेल्टा प्रेशर होता है वो 0.5 केजी से नीचे होना चाहिए, तब हम उसको ओके मानते हैं। और उसके ऊपर वो बढ़ने लग गया है, 0.5 केजी से ऊपर का अगर वहां पे डेल्टा प्रेशर आने लग गया है तो समझ लेना कि वहां पे जो है स्केलिंग होना या फॉलिंग होना चालू हो गया। तो दोस्तों ये तो देखा हमने डेल्टा प्रेशर हमारा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में कितना है। तो दोस्तों अब ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 केजी का, यहाँ पे 3 केजी का। तो दोस्तों जब भी हमारा फर्स्ट स्टेज में डिफरेंस बढ़ रहा है, डेल्टा प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे फॉलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो भी फॉलिंग जब भी स्टार्ट होती है दोस्तों वो फर्स्ट स्टेज से ही हमारी शुरू होती है। और जो स्केलिंग होती है दोस्तों, जो हमारा फाइनल स्टेज का जो डेल्टा प्रेशर बढ़ता है वो स्केलिंग की वजह से बढ़ता है। स्केलिंग यानी कि जो हाई कंसंट्रेटेड वाटर होता है, हाई डीडीएस का वाटर होता है, वो वहां पे जो है धीरे धीरे जो मेम्ब्रेन की शीट होती है उसमें धीरे धीरे चिपकना चालू हो जाती है, और जो हमारा जो फोर्स होते हैं उसको वो बंद सी कर देती है, और हमारा वहां से फ्लो आना कम हो जाता है। तो दोस्तों वो हमारा फाइनल स्टेज से जो स्केलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अगर हमारा डेल्टा प्रेशर फाइनल स्टेज में ज्यादा आ रहा है दोस्तों, तो वहां पे हमें समझना चाहिए कि वहां पे हमारी स्केलिंग जो है हुई है, और फर्स्ट स्टेज में अगर डिफरेंस आएगा हमारा तो ये समझना है कि वहां पे हमारा फॉलिंग होता, वहां पे जो है फॉलिंग स्टार्ट जो है होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो फॉलिंग होती है दोस्तों वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया जब भी जाएगा, और जहां पे भी वो जाएगा, मेम्ब्रेन एक सॉलिड चीज है, तो जब भी मेम्ब्रेन पे जाएगा वो शुरू में ही वहां पे जो है इफेक्ट करना चालू कर देगा, क्योंकि जो फॉलिंग होती है दोस्तों वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया जो है सबसे पहले यहाँ तो नहीं जा रहा पानी, सबसे पहले पानी हमारा फर्स्ट यहीं पे जो जाएगा, मेम्ब्रेन जो पहले लगी होंगी उन पे जाएगा, वो ज्यादा इफेक्ट होंगी, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी मेम्ब्रेन इफेक्ट होंगी। और तो दोस्तों फॉलिंग जब भी स्टार्ट होती है वो फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होती है, न कि फाइनल स्टेज से। और स्केलिंग जो दोस्तों स्टार्ट होती है वो होती है फाइनल स्टेज से। सपोज हमारे इसमें फॉलिंग नहीं है, केवल स्केलिंग हो रही है, और स्केलिंग जो होती है हाई टीडीएस के होने से, एक तो हमारा रॉ वाटर का टीडीएस का सपोज टीडीएस ज्यादा है, और जो हमारा फाइनल तक जो हमारा जो जब भी हम फाइनल का टीडीएस चेक करते हैं वो हमको 3 गुना ज्यादा मिलता है फीट जो हमारा टीडीएस है। तो इसी वजह से जो वहां पे स्केलिंग जो होती है वो लास्ट से होती है। तो दोस्तों सपोज हमारा यहाँ पे हम इस तरह से कर दें, ये 12 केजी और
इसको 11.5 केजी और इसको हम कर दें 7 केजी। अब हम फर्स्ट स्टेज में डेल्टा प्रेशर कितना देखेंगे, फर्स्ट में हमारा है 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डेल्टा प्रेशर है। यहाँ पे डेल्टा भी हमारा इसमें है। सेकेंड में हमारा है या फाइनल जो हमारा है वहां पे कितना है, वहां पे जो है 4.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे डेल्टा प्रेशर है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा रूम इस तरह के पैरामीटर हमें दिख रहे हैं प्रेशर के, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे फॉलिंग तो वहां पे है नहीं, बैक्टीरिया तो पानी में है नहीं, लेकिन वहां पे जो है जो सेकंड स्टेज है वहां पे 4.5 केजी का जो है वहां पे डेल्टा प्रेशर आ चुका है, अंतर आ चुका है। तो हमारी जो मेम्ब्रेन है इसमें भी अगर हमारी 6 वेसल का या 6 एलिमेंट की ये वेसल होगी, 6 मेम्ब्रेन लगी होगी, जो सबसे लास्ट में मेम्ब्रेन लगी वो भी सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, उसके बाद उसके जो उसके आगे वाली होगी, और इस तरह से वहां पे धीरे धीरे इस तरह से वहां पे सबसे पहले ये, उसके बाद उससे पहले वाली कम उससे कम इफेक्ट होगी, लेकिन ये पूरी वेसल ओवरऑल जो वेसल है ये यहाँ पे जो है इसका पूरे का जो डेल्टा प्रेशर है वो इतना आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर हम इसको जो हम सीआईपी करते हैं उसमें हम नॉर्मली क्या है लो पीएच और हाई पीएच से करते हैं, लेकिन लो पीएच जो हमारा स्केलिंग के लिए होता है और हाई पीएच हमारा बैक्टीरिया के लिए होता है। अगर हम लो पीएच की इस कंडीशन में हाई पीएच को ज्यादा चला रहे हैं और लो पीएच को कम चला रहे हैं और सोकिंग नहीं दे रहे हैं और या सोकिंग दे भी रहे हैं सीआईपी करते हैं तो वो हाई पीएच की ज्यादा दे रहे हैं लोअर पीएच की कम दे रहे हैं तो रिजल्ट हमारे नहीं आते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमारा जो लो पीएच है वो हमारा स्केलिंग को काटता है, स्केलिंग को निकालता है, और जो हमारा हाई पीएच का सॉल्यूशन होता है वो बैक्टीरिया के लिए होता है, वो बैक्टीरिया को खत्म करता है, उस चीज को निकालता है। तो दोस्तों जब भी कोई इस तरह से प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें डेल्टा प्रेशर पता देखना चाहिए कि कितना है, अगर प्रेशर गेज नहीं लगे हैं स्टेज वाइज तो हमें प्रेशर गेज लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम सीआईपी प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा और बढ़ जाता है, ना कि खर्चा कम कर पाते हैं हम सीआईपी करने के बाद, क्योंकि अगर हमने सीआईपी कर दी और हमारा टीडीएस बढ़ गया प्रोडक्ट, और वो क्या होगा अगर 100 टीडीएस से नीचे का हमारा पानी चल रहा है सपोज, और हमने सीआईपी कर दी और हमें मिल रहा है 150 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्वालिटी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट नहीं कर पाती, और हम लोग जो फिर नई मेम्ब्रेन के लिए ये कहते हैं कि जो है सीआईपी करने के बाद टीडीएस बढ़ जाता है, टीडीएस बढ़ गया है और मेम्ब्रेन चेंज करो, तो ये गलत है दोस्तों, प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले स्टेज में अगर डेल्टा प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां पे स्केलिंग है और सॉरी फॉलिंग है, और सेकंड स्टेज या फाइनल स्टेज में हमारा जो डेल्टा प्रेशर बढ़ रहा है वहां पे स्केलिंग है। स्केलिंग के लिए हम जनरली लो पीएस का पानी यूज करते हैं और फॉलिंग के लिए हाई पीएस का। अब दोनों भी अगर वहां पे है तो हम स्टेप बाय स्टेप दोनों केमिकल यूज करेंगे, पहले लो पीएस का यूज करते हैं फिर हाई पीएस का यूज करते हैं। और जब दोस्तों जब भी हम हाई पीएस का फॉलिंग के लिए कोई केमिकल यूज करना चाहे हम कॉस्टिक कर रहे हैं चाहे जो अलग अलग कंपनीज के क्लीनिंग केमिकल्स आते हैं वो यूज कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत हीट देने की जरूरत होती है, टेम्परेचर देने की जरूरत होती है, ताकि एक टेम्परेचर पे जो है हम जो है क्लीनिंग करें तो प्रॉपरली सारी गंदगी जो है फॉलिंग जो है वो निकल जाए। तो दोस्तों फॉलिंग जनरली बैक्टीरिया की वजह से होती है, और बैक्टीरिया अगर हमारे एसडीआई कंट्रोल में नहीं है तो फॉलिंग होने के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। आपके एसडीआई कंट्रोल में है तो फॉलिंग वहां पे न के बराबर होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है तो फॉलिंग के तो चांसेस ही नहीं रहते हैं। स्केलिंग के चांसेस हर प्लांट पे रहते हैं, क्योंकि स्केलिंग इसलिए वहां पे चांसेस रहते हैं क्योंकि वहां पे स्टेज बाय प्लांट हमें मिलते हैं, कोई 2 स्टेज का, कोई 3 स्टेज का, कोई 4 स्टेज का हमें प्लांट मिल रहा है, तो स्केलिंग वहां पे डेफिनेटली होगी फाइनल स्टेज से। लेकिन अगर बैक्टीरिया हमारा नहीं है, पानी ओके है, तो फॉलिंग हो सकता है, वहां पे नहीं भी होती है तो वहां पे स्केलिंग होती है। लेकिन पानी में अगर हमारा बैक्टीरिया है और वो वहां पे हम उसको एसडीआई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या क्लोरीन या वो जो भी हम बैक्टीरिया के लिए केमिकल यूज करते हैं क्लोरीन वगैरह सिलूट वगैरह अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे फॉलिंग और फॉलिंग के भी वहां पे चांसेज होते हैं, और कई प्लांट ऐसे होते हैं हमको फॉलिंग और स्केलिंग दोनों भी दिखने को मिलते हैं। तो मेन ये था दोस्तों, डेल्टा प्रेशर हमें पता होना चाहिए अपने आरओ का कितना चल रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा आरओ का प्लांट आरओ कैसा चल रहा है। अगर 0.5 केजी से ऊपर आपका डेल्टा प्रेशर बढ़ रहा है तो समझ लेना दोस्तों वहां पे जो है चोकिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब वो चोकिंग स्केलिंग है फॉलिंग है ये कब पता लगेगी, जब हमारे प्रेशर गेज लगे होंगे और कितने स्टेज का हमारा आरओ है, हर स्टेज का अगर हम प्रेशर वहां पे डेल्टा प्रेशर चेक करते हैं
तो हमें क्लियर पता लग जाता है जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारा, अगर 0.5 केजी से ऊपर आ रहा है और कितना हमारा वो ऊपर तक जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा 0.5 का डिफरेंस है, कोई हमें यहाँ पे हाई पीएस का जो है कोई जरूरत नहीं है। हम लो पीएस भी करेंगे तो भी हमारा जो है क्लीनिंग हो जाएगी और हमारा जो है रिजल्ट हमको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक चोकिंग के ऊपर वीडियो जिसमें मैंने बताया फॉलिंग और स्केलिंग दो ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आगे जो हमारा चोक होता है। तो दोस्तों सीआईपी के ऊपर मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं सारा बताऊंगा कि सीआईपी हमें जो सीआईपी का जो प्रोसीजर है वो क्या है उसमें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।